प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। क्या क्या चुनौतियां आ रही है सर? देखिए, 2 साल बाद चुनाव क्यों आ रहा है पहले बताना चाहूंगा। 2 साल कोविड था जिसके चलते 2 साल गैप आपको नजर आ रहा है। अगर कोविड नहीं रहता तो हर साल चुनाव होता, और जैसे ही हम लोग कोविड से बाहर है हम लोग चुनाव करा रहे हैं। ऐसे चुनौतियां सबका ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सिटी को कोई परेशानी हो रही है चुनाव कराने में। चुनाव बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और शांतिपूर्ण चुनाव होगा। सर, हमेशा आरोप लगता है कि हंगामेदार चुनाव होता है, इस बार भी कुछ आरोप लगे हैं? नहीं, अभी तक तो आपने देखा है कि पूरे मैं भाषण में भी कहा, कभी इतने बड़ी यूनिवर्सिटी है, कुछ छिटपुट घटनाएं तो होगी ही। एक दिन बीएन कॉलेज में हुआ था और एक दिन जेडीएस में हुआ था, जो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी। इसके बावजूद भी दो तीन घटनाएं घट गई, इसलिए हमको बहुत ही तकलीफ हुआ, जिसको कि मैं अपने स्पीच में आपने देखा होगा कि अपने तकलीफ को मैं बयां कर दिया। चुनाव के दिन क्या क्या तैयारियां की गई है पटना? चुनाव के दिन जितने भी चुनाव के लिए होता है हर तरह से तैयारी की गई है, उसके काउंटिंग के लिए, उसमें कैसे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, हर तरह से लोग प्रशासन की मदद मिल रही है। प्रशासन को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है, आपने देखा प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत सारे फोर्स थे और सारे कॉलेज में सारे हॉस्टल में हमारे फोर्स तैनात हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जो अगला चुनाव है शांतिपूर्ण ढंग से होगा और प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। सर, कोई छात्रों के लिए हम यही कहेंगे, चुनाव पूर्ण जो है आप चुनाव करें, वो हार जाए फिर भी उसे गले मिले, हारना कोई जीतेगा एक ही तो हारेगा। ये इसके लिए ऐसा नहीं कि हम दुश्मनी मोल लें कि हम इलेक्शन लड़े, अभी हम साथ साथ हैं, इलेक्शन लड़ गए, एक जीत गया हार गया तो इसके लिए हम झगड़ा और इस तरह से टेंशन का माहौल करें। जीत गए अच्छी बात है, उनको बधाई दे, जो हार गए जीतने वाले को कंसोल करना चाहिए उनसे, ठीक है अगला साल जीतोगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।